बोकारो जिले के गोमिया में चक्रवाती तूफान का असर बहुत कम दिखा, लेकिन लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है और इसके साथ ही मनरेगा और आवास योजना जैसी कई योजनाओं को प्रभावित किया है। रिपोर्ट देखें। चक्रवाती तूफान यास ने किसानों को भारी क्षति पहुंचाई है। आप इस दृश्य को देखकर समझ सकते हैं कि तरबूज की फसल कैसे बर्बाद हो गई। और अब जरा इस कूप को देखिए। मनरेगा के तहत बन रहा ये कूप काफी हद तक धराशायी हो गया है। अब लाभुकों को कुएं का काम पूरा करने में होने वाली अतिरिक्त खर्च का भय सता रहा है। वहीं कुआं की खुदाई कार्य में लगे मजदूरों को भारी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। जो देख रहे हैं आपका तरबूज मेरा 6.5 एकड़ में है ना, और ये सारे ये फार्म को स्टार्टअप करने के लिए हमने बैंक से काफ़ी लोन भी ले रखा है। अचानक ये इस तरह का आपदा आ गया, इस तरह से प्रॉब्लम से ऐसा क्रिएट हो गया। यस करके जो तूफान चक्रवात आया था उसमें जो 4 दिन कंटिन्यू जो बारिश हुई, उस बारिश से मेरा ये पूरा फसल नष्ट हो गया। मनरेगा से एक ठोकुआ मिला हुआ था जिसमें 35 फीट हमने गढ़ा कर चुके थे, खुदाई कर चुके थे और 15 फीट बांध चुके थे। उसके बाद इस बार जो पानी आया है इसमें पूरा कुआं को भर दिया है और भरने के बाद अभी हम तुरंत लेबर लगा करके उसको उपछा रहे हैं और बाद बाकी बांधने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि कुछ जो नुकसान हुआ है उसका मदद मिल जाए। देखिए, हम आज नरेगा के कुएं से मतलब 1.5 महीना से काम कर रहे हैं, हम लेबर हैं, तो आज तक मतलब 1 रुपया नहीं मिला है। तो हम लोग का रोजी रोजगार कैसे चलेगा? ऐसे तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से तो ऐसे बाहर नहीं जाने सक रहे हैं। तो वहाँ जो जब नरेगा काम खुला है तो उसमें काम भी कर रहे हैं तो अभी पैसा नहीं मिल रहा है। बारिश ने कई घरों को भी तोड़ दिया है और कई लोग बेघर हो गए हैं। इन सारे मुद्दों पर BDO ने जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। यास चक्रवात के कारण पूरा तरबूज का क्षतिग्रस्त हो गया और काफ़ी आर्थिक हानि हुई है। सरकार के द्वारा यास के बाद 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी, उन्होंने थोड़ा सा रिपोर्ट देर दिया है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, सर से निवेदन करेंगे कि क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये खेती कर रहे थे, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो इनको क्षतिपूर्ति सरकार की ओर से दिया गया है। भारी बारिश ने कई तरह से लोगों को परेशान किया है, अब इन्हें सरकारी मदद की जरूरत है। देखना ये है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। गोमिया से News 11 भारत के लिए राजकुमार की रिपोर्ट।